नमस्कार, मैं भावना पैंस एंड ओवंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर काली मिर्च, जिसका बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और ये अगर आप रेगुलर पनीर खाकर बोर हो चुके हैं ना, तो ये बहुत ही जो है अच्छा ऑप्शन है। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर काली मिर्च। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 1 से 1.5 कप पानी लेंगे, उसको गर्म होने देंगे। उसमें 1 बड़ा कप प्याज डालेंगे, रफली चॉप। 1/4 जो है कप के अराउंड काजू, इन सबको डालेंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे। हमें इनसे 5 से 6 मिनट तक बॉईल करना है कि जब तक प्याज और काजू जो है वो सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और ये जो पूरा मिक्सचर है अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसको मिक्सर में डाल लेती हूँ और इसको जो है एक पेस्ट बना लेते हैं। इसका बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बनाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच आप इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट इसका बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। अब जो है हम पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी गर्म करेंगे। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये देसी घी और बटर में बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच अदरक, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और साथ ही में 2 हरी मिर्च, उसको भी जो है लेंथ वाइज स्लिट कर लिया था, उसको फ्यू सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, ये जो हमने काजू और प्याज का मिक्सचर बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर डालेंगे। और इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए हम इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक ये साइड्स ना छोड़ दे, साइड से थोड़ा सा जो ऑयल घी है वो बाहर ना आने लग जाए। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से भून कर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का हाथ से क्रश करके डालेंगे और उसको भी जो है 30 सेकेंड्स के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये थोड़ा सा सॉटे हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध। दूध डालते समय आंच जो है वो मध्यम कर लीजिए आंच को, और लगातार चलाते हुए धीरे धीरे दूध डालेंगे। और नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक बाद में डालेंगे, नहीं तो दूध हमारा जो है वो कड़ या फट सकता है। इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे ना लगे। और अब हमें इसे तब तक पकाना है कि जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए, क्योंकि हमें ये क्रीमी ग्रेवी चाहिए। देखिए हमने इसको बनाने के लिए इसमें कोई क्रीम, कोई भी दही, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर वाली ये आपकी जो है पनीर काली मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ग्रेवी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे, लगभग 200 ग्राम। इसको जो पनीर को है मैंने पहले से ही जो है ल्यूक वार्म वाटर में जो है सोक करके रखा था 10 से 15 मिनट, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। वो इसके अंदर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1 कसूरी मेथी का बड़ा चम्मच और क्रश करके, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए 1/2 चम्मच चीनी, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम ढक के 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको जो है हैंडल करना है, हिलाना है। देखिए कुछ देर बाद बिल्कुल थिक स्मूथ वेलवेटी ग्रेवी जो है हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है, बहुत जल्दी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।